हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी गाड़ी की इंजन को ठीक ठाक मेंटेन रख सकते हैं, बेसिकली कैसे इसको अच्छे तरीके से मेंटेन रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है। बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूजन रहते हैं कि गाड़ी को पेंट को तो अच्छे से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, इंजन को कैसे कैसे क्या क्या ऐसे टिप्स है जिससे मैं गाड़ी को इंजन को मेंटेन रख सकते हैं। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो फ्रेंड्स देखिए, गाड़ी के जो सबसे मेन पार्ट होता है वो गाड़ी की इंजन होती है। अगर गाड़ी का इंजन मेंटेन है तो ओवरऑल गाड़ी का सारा कुछ मेंटेन है। अगर गाड़ी बहुत ही चमक रही है, बहुत ही अच्छी है, साफ सुथरी है, बट गाड़ी का इंजन ठीक से मेंटेन नहीं है तो गाड़ी कोई काम की नहीं है। क्योंकि आप कहीं पे भी जाएंगे, इंजन का मेन रोल है। अगर इंजन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो आप कहीं पे भी फंस सकते हैं, गाड़ी में ओवरऑल मोटा खर्चा भी हो सकता है। तो गाड़ी का जो मेंटेनेंस होता है वो देखिए एक दिन से नहीं होता, वो आपको स्टार्टिंग से लेकर चलना पड़ता है। ऐसे नहीं कि 4-5 साल गाड़ी रगड़ के चला ली है और 4-5 साल के बाद से अब हम गाड़ी के इंजन पे मेंटेनेंस पे ध्यान देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको डे वन से ही ध्यान देना है कि अपने इंजन को नए जैसा स्टार्टिंग से कैसे रखें। देखिए, गाड़ी का जो रखने का होता है, जो कॉस्ट होता है, वो ऐसा नहीं होता। कई बार सुने होंगे कि गाड़ी अभी न्यू है, किसी का 2 से 3 महीना हुआ, ये 6 महीना हुआ, ये साल भर हुआ और गाड़ी का इंजन का बहुत बड़ा बड़ा खर्चा हो गया। कई लोगों का गाड़ी का सुने होंगे कि वो लोग 6-7 साल 8 साल हो गया, इवन 10 साल हो गया, इंजन में अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुआ, कोई भी पार्ट चेंज नहीं हुआ, कोई खर्च नहीं हुआ। तो ये सारा चीज कैसे होता है? ऐसा नहीं होता है गाड़ी पे। गाड़ी तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो भी सकता है, बट जो मेन कारण होता है वो आपके मेंटेनेंस पे डिपेंड करता है। आप गाड़ी को किस हिसाब से मेंटेन रख रहे हैं, उस हिसाब से आप गाड़ी का जो इंजन का लाइफ वो बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं कुछ बेसिकली इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपनी गाड़ी का इंजन को अच्छे तरीके से मेंटेन रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं गाड़ी के इंजन के बॉनेट को खोलता हूं। तो फ्रेंड्स, ये गाड़ी के इंजन को बॉनेट खोले मैं आपको यहीं से दिखाना चाहता हूँ। आप जैसे कंडीशन देख सकते हैं, नीट एंड क्लीन। बहुत सारे गाड़ी में जब आप बॉनेट अपने गाड़ी को खोल के देखेंगे, आपको कुछ भी यहाँ पे कलर शो नहीं होगा, खाली डस्ट, बहुत ही गंदा। तो ऐसा ना करें। सबसे जो पहला स्टेप होता है, गाड़ी के इंजन को साफ सुथरा रखें, एकदम नीट एंड क्लीन रखें। थोड़ा भी डस्ट ना हो, थोड़ा भी कचरा ना हो, धूल धड़का ना हो, जितना आप क्लीन कर सकते हैं गाड़ी के इंजन, जब भी आप वॉश करते हैं कोशिश करें साथ ही साथ गाड़ी के इंजन को भी क्लीन करें। देखिए, गाड़ी के इंजन क्लीनिंग में करने से बहुत सारे लोगों के ये डाउट रहता है कि गाड़ी के इंजन में अगर पानी डालेंगे तो खराब तो नहीं रहती। बिल्कुल नहीं होगी अगर आप सही तरीके से यूज करेंगे तो। देखिए, ऐसे इंजन धोने का जो बेस्ट तरीका होता है वो स्टीम्स होता है, स्टीम वॉश होना चाहिए कार के इंजन को जब आप क्लीन करें। बट आप नॉर्मल स्टीम वॉश कहीं पे नहीं हो सकता, तो आप घर में नॉर्मली आप एक पेंट का ब्रश और शैम्पू लेके नॉर्मल मग से या नॉर्मल प्रेशर से आप स्प्रे करके पानी से डायरेक्ट धो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट लेकिन उसके बाद जब आप गाड़ी को धो लें, वॉश कर लें पानी से, उसके बाद ब्लोअर से सुखाना बिल्कुल भी ना भूले। यही सारे लोग फंस जाते हैं, गाड़ी तो धो लेते हैं बट गाड़ी में बहुत ऐसे ऐसे जगह में जहाँ पे पानी जम जाती है, रुक जाती है, जहाँ से शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस होता है। और चूंकि यहाँ पे देखिए हर एक जगह पे सेंसर लगी होती है, सेंसर में पानी जाने से सेंसर भी खराब हो जाता है, जबकि अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग डरते हैं धोने से। तो आपको क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंजन को साफ सुथरा रखना भी एक मेंटेनेंस का एक पार्ट है। तो इसको आप साफ सुथरा रखें और जैसे जब आप इसको क्लीन करें साथ ही साथ ब्लोअर, कोई भी एयर प्रेशर ब्लोअर से आप इसको सुखा दें, ठीक है, तो उससे गाड़ी नीट एंड क्लीन साफ सुथरी हो जाएगी। सेकंड जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सबसे पहला और मेन पार्ट है, रेगुलर गाड़ी का चेकअप करें, इंस्पेक्ट करें। जब भी आप गाड़ी को चलाएं या फिर 10-15 दिन के लिए गाड़ी खड़ी कर दें, तो एक बार जरूर खोल के गाड़ी को देखें, चेक करें कि कहाँ पे कोई चूहा वगैरह कुछ काट तो नहीं रहा, या फिर चूहा कोई अंदर तो नहीं आ रहा। गाड़ी को अंदर आने के बाद आपको दिख जाएगा कि गाड़ी का कंडीशन आपको बता देगा कि इसमें चूहे आ रहे हैं या फिर आने का निशान कुछ ना कुछ बता देगा। तो ये चीज़ हमेशा चेक करें, रेगुलर इंस्पेक्ट करते रहें, गाड़ी के एक एक पार्ट्स को चेक करते रहें कि कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। सेकेंड, इसका रेगुलर टाइमली आपको सर्विस कराना है, जैसे कंपनी आपको सजेस्ट करती है। इसका सर्विस बुक में आप देखे होंगे, जब जब आपका एक्चुअली नॉर्मल हर गाड़ियों में 10,000 किलोमीटर पे सर्विस की जाती है या फिर 1 ईयर में, तो जैसे जैसे आपका जो भी टाइम इंटरवल होगा, आप अपने टाइम इंटरवल के हिसाब से रेगुलर सर्विस जरूर करवाएं। उससे आपकी गाड़ी का जो मेंटेनेंस है वो भी बढ़िया तरीके से रहता है, और एक रेगुलर मेंटेनेंस में रहने के बाद अगर इनकेस कोई गाड़ी में प्रॉब्लम भी आती है तो कंपनी में आप इजिली क्लेम कर सकते हैं, सर्विस में इजिली क्लेम कर सकते हैं। तो उसमें आपके जो भी पार्ट्स होगी इजिली चेंज भी हो जाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने रेगुलर इंटरवल में आपने सर्विस भी कराई। इनकेस अगर आप रेगुलर इंटरवल में सर्विस नहीं कराते हैं तो आपकी कंपनी में क्लेम्स हो सकता है नहीं भी पास हो, क्योंकि आपने सही टाइम पे गाड़ी की सर्विस नहीं कराई थी। इसलिए रेगुलर जब जब आपका सर्विस का टाइम हो जाए, ड्यू डेट हो जाए, तो आप जाकर जरूर सर्विस करा लें, और कोशिश करें सर्विस सेंटर पर ही कराएं। अदरवाइज बाहर में आपका
इजिली चीप में तो हो जाएगी, लेकिन कई जगह में आपकी कटौती होने के कारण कई जगह में आपका सर्विस भी अवॉइड हो सकता है, और कई जो चीज होती है जो कि सर्विस सेंटर वाले लोग अच्छे से कर सकते हैं वो बाहर में कोई शोरूम में इजिली नहीं हो सकती है। सेकंड जो और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहला चीज जब भी आप गाड़ी में जो भी मेन इशू होता है वो आपका होता है इंजन ऑयल का, तो कभी भी जो इंजन ऑयल होता है उसको रेगुलर चेकअप करें, रेगुलर चेक करें कि कहीं वो लेवल से कम नहीं हो रहा है। लेवल कैसे चेक करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए डीप देखे होंगे, ये डीप को निकाल करके यहाँ पे देखिए, ये ऐसे डीप निकाल लें, ठीक है, और यहाँ से देखिए ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक लेवल रहता है, देखिए ये मैक्सिमम का है जो निशान है और ये मिनिमम का है, तो हमेशा आप इसको चेक करते रहे कि मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है, तो ये चीज़ चेक करते रहे। अगर ये कम हो जा रही है तो आप सर्विस सेंटर में ले जा करके जरूर इसके बारे में बताएं कि यहाँ पे मेरा इंजन ऑयल लो कैसे हो गया, ठीक है। ये बहुत ही देखिए फ्रेंड्स, गाड़ी का जो मेन पार्ट होता है वो इंजन ऑयल होता है। अगर आप इंजन ऑयल सही से चेंज कर रहे हैं ना सही टाइम पे, तो आप गाड़ी का 80% का सर्विस आपका सिर्फ इंजन ऑयल के रिकवरी हो जाता है। तो हमेशा याद रखें कि इंजन ऑयल इंजन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें जितना आपका रिक्वायरमेंट है, जितना आपका टाइम है, उस टाइम लिमिट के अंदर ही चेंज करवा लें, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना जाए। उससे आपका बहुत सारा पार्ट्स में जो इंजन के अंदर का जो पार्ट्स होता है उसमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा, और एक बार अगर इंजन के अंदर का पार्ट्स में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आपका खर्चा बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि अगर इंजन असेंबल करके फिर से इसको खोल करके फिर से असेंबल करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया आपका इंजन ऑयल से। सेकंड जो सबसे मेन पार्ट है वो आपका कूलेंट। कूलेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि गाड़ी में बिल्कुल सही टाइम पे आपको चेकअप करना है, कम तो नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ पैसा बचाने के चक्कर में कूलेंट की जगह में पानी डाल देते हैं या फिर कूलेंट में बहुत ज़्यादा पानी मिला देते हैं। ऐसा दोनों ही केस में गलत है। आप पानी डालेंगे उसमें भी दिक्कत है, कूलेंट में बहुत ज़्यादा एक्सेस पानी डालेंगे उसमें भी गलत है। जो कंपनी आपको एडवाइस कर रही है कि इतना लीटर कूलेंट में इतना लीटर पानी मिलाना है उतना ही मिलाना है, अदरवाइज उससे ज़्यादा मिलाएंगे तो फिर कूलेंट का जो मात्रा वो कम हो जाएगी और उससे गाड़ी का जो इंजन में जो कूलिंग है वो पावर कम हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, कूलेंट का कितना बड़ा रोल है। जब एक गाड़ी का जब इंजन स्टार्ट होता है ना, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती है गाड़ी के इंजन के अंदर में, तो कूलेंट उस चीज़ को सर्कुलेट कर करके ठंडी करती है एक नॉर्मल टेम्परेचर में। अगर नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं आएगी तो बहुत सारे ऐसे पार्ट्स है इंजन का जो कि मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि शेप चेंज हो जाता है, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली अब गाड़ी का मोटा खर्चा हो जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमेशा कूलेंट का सही टाइम पे रिजर्वायर में भी चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए आप रिजर्वायर रहता है कूलेंट का, फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए रिजर्वायर रहता है जो भी कूलेंट रखते हैं। यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम लेवल दी जाती है, तो मिनिमम मैक्सिमम लेवल आप हमेशा चेक करके डलवाते रहें। उसमें अगर कम हो जाए तो थोड़ा बहुत पानी डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें ज़्यादा कम हो जाएगा तो आप इसमें सर्विस में ले जाके दिखवाइए सर्विस सेंटर में कि क्यों इतना जल्दी कम हुआ है। इतना जल्दी कम नहीं होगा, थोड़ा बहुत कम होगा तो आप उसमें डिस्टिल वाटर डाल सकते हैं। अब देखिए क्यों ज़्यादा ज़रूरत है मैं आपको इसके लिए भी बताता हूँ। देखिए जैसे भी रेडी वाटर जो ग्रिल होगा, यहाँ पे देखिए ग्रिल है, ये जो ग्रिल देख रहे हैं आप अंदर में, इसमें बहुत ही बारीक बारीक फिन्स लगी हुई रहती है, इसके अंदर से वो सारा कूलेंट पार होती है, ठीक है, जिसके कारण वो गाड़ी को ठंडा करता है। तो जब वो उसके अंदर से पास होगी तो इसमें क्या होता है ना कि बहुत बारीक फिन्स लगी हुई रहती है, ठीक है, तो इसके अंदर अगर पानी डालेंगे तो पानी रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है, रस्ट के कारण जंग लगना जाता है, तो जंग लग जाएगी तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लाइनें होती है वो चौक होना लग जाएगा, तो चौक हो जाएगा तो सफिशियंट अमाउंट पे वो पानी और कूलेंट नहीं पास होगी। तो अगर आप सफिशियंट अमाउंट पे नहीं पास होगा तो इंजन में ओवरऑल सफिशियंट अमाउंट में लिक्विड या फिर कूलेंट नहीं जाने के कारण उस अमाउंट का जितना जल्दी ठंडा हो रहा था पहले के मुकाबले में उतना जल्दी इंजन ठंडा नहीं होगा, तो जो भी परफॉर्मेंस होता है वो फिर गाड़ी का धीरे धीरे डाउन हो जाता है। तो इसी कारण से इसमें जो अगर आप पानी में मिलाएंगे ना तो डिस्टिल वाटर मिलाए, नॉर्मल वाटर ना मिलाए, उसमें रस्टिंग होने का चांसेस ज्यादा रहती है। तो फ्रेंड्स ये तो था आपका कूलेंट के हिसाब से। फ्रेंड्स ये तो दो चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया। तीसरा, आप इसमें बहुत सारे ऐसे चीज है जैसे कि ब्रेक ऑयल वगैरह हो गया, ये सारा चीज आपको इंस्पेक्ट करते रहना है रेगुलर बेसिस पे। इसमें जो बैटरी होती है, ठीक है, यहाँ पे बैटरी में देखिए बहुत सारे जो यहाँ पे जो वाटर होता है, यहाँ पे बैटरी का जो यहाँ पे आप चेक करके खुद खोल करके आप चेक कर सकते हैं कि इसमें इसका जो पानी है वो कम तो नहीं हो रही है। ये सारा बेसिक चीज़ है जो आप से कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें बहुत मेजर चीज़ है जो कि आप खुद से चेक नहीं कर सकते, बट ये सारा चीज़ आप खुद से ईजिली चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स जो लास्ट चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, लास्ट ये है कि गाड़ी का एयर फिल्टर। देखिए अब जब आप सर्विस कराने जाएंगे, नॉर्मली 10,000 किलोमीटर में जाएंगे या फिर एक साल में, ठीक है, और जो गाड़ी का जब एक साल में कराने जाएंगे सर्विस, तो इस बीच में आपकी गाड़ी किस किस कंडीशन में चली है ये आपको ही बेहतर मालूम है। अगर आप बहुत ज़्यादा डस्टी एरिया में जाते हैं, डस्टीला एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ता है, वहाँ पे अगर आपका गाड़ी रेगुलर चलता है तो आपका जो एयर फिल्टर है वो जल्दी खराब हो जाता है, जल्दी गंदा हो जाता है। और अगर आप नॉर्मल जगह में चलेंगे तो ईजिली चलेगा। देखिए एयर फिल्टर जब भी चेंज होता है 30 से 40,000 किलोमीटर में चलता है, उससे पहले जल्दी खराब नहीं होता है, क्लीन करना पड़ता है।
तो अगर आपकी गाड़ी डस्टिल एरिया में ज़्यादा चलता है तो आप साल भर आपको वेट लगेगा आप सर्विस सेंटर जाने में, तब तक पता चला आपके एयर फिल्टर में काफ़ी ज़्यादा कचरा आ गया। तो आप यहाँ पे एयर फिल्टर को खुद से भी आप क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दो होक दिया हुआ, यहाँ पे ऐसे कर करके आप यहाँ से निकाल सकते हैं और नॉर्मल ये कोई भी स्क्रू ड्राइवर से खोल करके इसको ढीला करके आप इसको देखिए आराम से पूरा निकाल सकते हैं। तो इसलिए आपका निकालने के बाद एयर फिल्टर क्लीन हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एयर फिल्टर अगर आपका क्लीन रहेगा तो जो एयर फ्यूल मिक्सर सफिशियंट अमाउंट में आएगा, जब सफिशियंट अमाउंट में आएगा तो गाड़ी में ओवरऑल अच्छे से इग्निशन होगा, अच्छे से पिकअप मिलेगा। इसका एक और बहुत ही ड्रॉबैक, अगर इसमें कचरा आने लगेगा तो आपका पिकअप जल्दी गिर जाएगा, एवरेज गिर जाएगा, ये दोनों चीज़ जल्दी गिर जाएगा अगर आपका एयर फिल्टर में कचरा आना स्टार्ट हो जाएगा तो। तो फ्रेंड्स ये आप खुद से भी कर सकते हैं, जितना भी चीज़ मैंने आपको बताया ये आप घर में खुद से आप इसको रूटीन चेकअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया हो, फिर भी कोई कन्फ्यूजन है मुझे सिंपल कमेंट करें, मैं वहाँ पर जरूर रिप्लाई करूँगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स आज के इतना मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएँ।